उत्कल केशरी सम्मान ओडिशा इतिहास हिंदी अनुवाद को उन्मोचन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह समय प्रधानमंत्री कहते भर्तृहरि महताब को जड़े उत्तम सांसद व्यापक विविधतार समृद्ध ओडिशार इतिहास पुस्तक हिंदी अनुवाद भर्तृहरि को प्रधानमंत्री अनुवादक शंकरलाल पुरोहित धन्यवाद देते आज आजादी अमृत महोत्सव काल में पुस्तक उन्मोचन करलेज छाड़ स्वाधीनता आंदोलन में सामिल होते हरेकृष्ण महताब स्वाधीनता पाई निजर जीवन को समर्पित करते जातिवाद विलोप प्रयास करते हरेकृष्ण आधुनिक ओडिशा मूलदुआ प्रतिष्ठा करते महताब से हीपरी केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान हरेकृष्ण महताब का अवदान को मन पकड़े ओडिशार इतिहास 2000 वर्ष पुराणा प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। आजादी के बाद उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में बड़े बड़े फैसले लिए, ओडिशा के भविष्य को घड़ने के लिए अनेक प्रयास किए, शहरों का आधुनिकीकरण, पोर्ट का आधुनिकीकरण, स्टील प्लांट, ऐसे कितने ही कार्यों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। साथियों, सत्ता में पहुंचकर भी वो हमेशा पहले अपने आप को एक स्वाधीनता सेनानी ही मानते थे और वो जीवन पर्यंत स्वाधीनता सेनानी बने रहे। ये बात आज के जनप्रतिनिधियों को हैरत में डाल सकती है कि जिस पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने थे आपातकाल में उसी पार्टी का विरोध करते हुए वो जेल गए थे। हम इसीलिए खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। मैं आभार प्रकट करूंगा महता फाउंडेशन को, विशेष करके भर्तृहरि जी को और शंकरलाल पुरोहित जी को। उन्होंने ये कृति को हिंदी में रूपांतरित करने का मौका दिया, लेकिन मैं फिर प्रधानमंत्री जी के पास उड़ीसा की ओर से आभार प्रकट करूंगा कि 73 साल के बाद ऐसे प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा की कई सारे प्रथम कीर्ति स्थापित किए हैं। शायद पहला देश की पिछले दिनों में जिन्होंने भी जिम्मेवारी संभाली देश की, सबने उड़ीसा की चिंता किया होगा, किया भी है। लेकिन मैं खुले दिल से उड़ीसा की ओर यह कहना चाहूंगा, आजादी के बाद शायद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला प्रधानमंत्री होंगे जो उड़ीसा के बारे में इतना चिंतित।